हिमाचल प्रदेश के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान, 12 नवंबर को एक ही चरण में मतदान, 8 दिसंबर को आएंगे हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजे, 25 अक्टूबर तक नामांकन होंगे। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने जताया बीजेपी की जीत का भरोसा, कहा निश्चित तौर पर जीतेंगे चुनाव और पूरी ताकत के साथ चुनाव में जाएंगे और जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। जयराम ठाकुर ने काम के दम पर जताया जीत का भरोसा, का हिमाचल प्रदेश में फिर बनेगी बीजेपी सरकार। हिमाचल प्रदेश के सोलन में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में शामिल हुई प्रियंका गांधी वाड्रा, बीजेपी सरकार पर हमला बोला। अगर आप देखें तो ये 5 साल जो बीते हैं इसमें भाजपा की सरकार ने आपके लिए क्या किया, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चुनाव है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी रैली से पहले मां शालिनी मंदिर में किए दर्शन, रैली के दौरान भी मां शालिनी का जयकारा लगवाया। आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रभारी दुर्गेश पाठक का बयान, कहा पंजाब की तरह हिमाचल में मिलेगी आम आदमी पार्टी को जीत, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के अंदर काम कर रही है, हिमाचल की जनता भी एक मौका देगी केजरीवाल को। हिमाचल चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया ट्वीट, प्रदेश को प्रगति देने वाली सरकार चुनने की अपील। हिमाचल चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा फिर बीजेपी के साथ होगा जनता का आशीर्वाद। की सरकार ने शानदार काम हिमाचल प्रदेश में किया है और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ जनता का आशीर्वाद फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन 26 दिन बाद हिमाचल चुनाव के नतीजों पर उठाए सवाल, कहा 12 नवंबर को चुनाव तो 8 दिसंबर को रिजल्ट क्यों। कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजेश शुक्ला का बयान, कहा हमने पहले ही आधी तैयारी कर ली है, प्रियंका आगे भी प्रदेश में करेंगी प्रचार। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट से हिंदू पक्ष को झटका, कार्बन डेटिंग जांच की मांग खारिज। कोर्ट ने अपने फैसले में तथ्यों से छेड़छाड़ की दलील मानी, लोगों की भावना का भी हवाला दिया। कार्बन डेटिंग की मांग खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी में हिंदू पक्ष। के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ये ऑर्डर अगेंस्ट द रिकॉर्ड है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर से ट्रायल कोर्ट को पावर दी थी कि वो सारी एप्लीकेशन डिसाइड करेंगे। मुस्लिम पक्ष ने किया था कार्बन डेटिंग की मांग का विरोध, वादी राखी सिंह ने भी कार्बन डेटिंग के खिलाफ लगाई थी याचिका। प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान को लेकर गुजरात से दिल्ली तक घमासान, बीजेपी महिला विंग का आम आदमी पार्टी दफ्तर पर प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का केजरीवाल पर हमला, कहा केजरीवाल के इशारों पर इटालिया ने किया प्रधानमंत्री मां का अपमान। कर्ता के तो आपको भले ही ये शब्द गुजरात के आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के लगते हो, आदेश लेकिन अरविंद केजरीवाल का है। बीजेपी के हमलों का दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने दिया जवाब, कहा 27 साल के शासन में बीजेपी के पास बताने को कुछ नहीं, इसलिए ऐसे मुद्दे उठा रहे। गुजरात बीजेपी के नेता हार्दिक पटेल ने भी गोपाल इटालिया पर हमला बोला, कहा उनका बयान आम आदमी पार्टी नेताओं की खींच दिखा रहा है। दिल्ली में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, नई शराब नीति में घोटाले से जुड़ा मामला। शराब कारोबार से सीधे तौर पर जुड़े लोगों पर छापेमारी, 25 ठिकानों पर ईडी की रेड। दिल्ली में इस साल सार्वजनिक रूप से मना सकेंगे छठ, कोरोना के चलते 2 साल से पाबंदी थी। गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल ने चला छठ पूजा वाला दाव, 2014 के 2 करोड़ के मुकाबले 25 करोड़ का बजट रखा। दिल्ली में 1100 जगहों पर मनेगी छठ पूजा, दिल्ली सरकार ने शुरू की तैयारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा अब राजनीतिक जीवन में कभी बीजेपी का साथ नहीं चाहिए। जमीन के बदले नौकरी के आरोप पर नीतीश कुमार की लालू यादव का बचाव किया, कहा जब हम साथ आए तो फिर कर रहे हैं केस। वाराणसी पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना। जमीयत उलेमाए हिंद ने सीएम योगी
को लिखी चिट्ठी, सुल्तानपुर की हिंसा को लेकर पत्र। कोला विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी का नामांकन, 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग। मोरबी पहुंची गुजरात गौरव यात्रा, सार्वजनिक सभा होने के बाद नहीं जुटी भीड़। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान, कहा खड़गे होंगे पार्टी के नए अध्यक्ष। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा का सीएम मान पर हमला, कहा एसवाईएल के मुद्दे पर बिना तैयारी के मीटिंग में पहुंचे मुख्यमंत्री। तेलंगाना के विधायक टी राजा के जल्द रिहाई के लिए आगर मालवा में यज्ञ, बगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना। भारत की धरती पर पहली बार उतरा दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर विमान, दुबई से बेंगलुरु पहुंचा A380 प्लेन। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में बाढ़ का कहर, गोंडा के 3 तहसीलों के 500 गांवों में पानी भर गया है। बाढ़ की चपेट में गोंडा के करीब 50,000 की आबादी है, कई गांवों में 10 फीट तक पानी जमा है। वहीं गोंडा में राहत और बचाव के लिए लगाई गई एसडीआरएफ की टीमें, बाढ़ प्रभावित गांवों तक पहुंचाई जा रही है मदद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और महाराजगंज का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वे के बाद गोरखपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिले योगी आदित्यनाथ, बाढ़ पीड़ितों में बांटी राहत सामग्री। यूपी के कुशीनगर के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं, गांव में पानी भरने से लोग परेशान हैं। नाव के सहारे कुशीनगर के गांव में पहुंचे स्थानीय सांसद और विधायक, बाढ़ प्रभावित में बांटी राहत सामग्री। बस्ती में बाढ़ के चलते कई गांव में बर्बादी, सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से मुश्किल में लोग। आजमगढ़ में घाघरा नदी का कहर, बांध में हो रहा रिसाव, बांध की सुरक्षा में जुटा प्रशासन। आजमगढ़ में बांध में रिसाव के चलते गांव में भर रहा है पानी, अब तक 55 गांव चपेट में हैं। सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी ने मचाई तबाही, 3 जगहों पर तटबंध टूट गए। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदी। सिद्धार्थनगर में कई मकान बाढ़ की चपेट में, गांव छोड़ने को मजबूर लोग। सिद्धार्थनगर में प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं बाढ़ प्रभावित, छोटे छोटे बच्चों को लेकर भटकने को मजबूर। बेमौसम बरसात से सब्जियों के दामों में इजाफा, प्रयागराज में बढ़े सब्जियों के दाम। भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र के बीड में बाढ़ जैसे हालात हैं, पोल्ट्री फार्म मालिकों को भारी नुकसान पहुंचा है। पुणे और आसपास के इलाकों में कुछ घंटों की भारी बारिश के बाद जल जमाव, लोगों को परेशानी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश, सड़कों पर पानी भर गया। कर्नाटक के हुबली में भी दिखा बदले मौसम का असर, कई इलाके जलमग्न। जबकि असम के धेमाजी में बाढ़ के हालात है, 40,000 लोग बेघर हो चुके हैं।